हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालकनी ब्लूम्स। और मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड पुष्पा। लास्ट वीडियो में मैंने अपने घर के इंडोर प्लांट्स का टूर कराया था। इस वीडियो में मैं आपको आउटडोर प्लांट्स दिखाती हूं। मेरे घर में फ्रेंड्स 3 बालकनी हैं जिसमें मैंने बहुत ढेर सारे प्लांट्स रखे हैं, लेकिन वीडियो को छोटा रखने के पर्पज़ से मैं सिर्फ एक बालकनी के ही प्लांट आज शेयर कर रही हूँ। मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने सकुलेंट कलेक्शन से। मैंने येलो पॉट में वॉन्डरिंग जू लगाया है जो काफ़ी ब्रांचेस के साथ स्प्रेड हो चुका है। उसके बगल में मैंने बनाना स्ट्रिंग लगाया है, ये एक सकलेंट प्लांट है। वाइट कंटेनर में भी इसी को ग्रो किया है मैंने। अब आपके सामने मेरा जेड जंगल है, जंगल क्योंकि ये मैंने 5 कंटेनर्स में मैगी के ग्रो किया हुआ है। और मेरे पास कुल 8 से 9 बना जेड प्लांट हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। छोटा सा बेबी प्लांट जो बाहर लटक रहा है वाइट कंटेनर से, ये मेरा डोंकी टेल सकलेंट है। उसके पीछे रेड और ग्रीन पत्तियों वाला कोलियस है। मेरी इस बालकनी का कॉर्नर से व्यू कुछ ऐसा है। इसमें अब प्लांट को नीचे रखने की स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इनको हैंगिंग बास्केट में लगाना शुरू किया है। अभी नीचे की तरफ व्हाइट रेक्टेंगुलर पॉट में मैंने एक मिनी सकलेंट गार्डन बनाया है। इसके सारे प्लांट की ग्रोथ इस विंटर सीजन में काफ़ी अच्छी हुई है। इसमें क्रॉसुला, डोंकीटेल, हवर्थिया, कलांचो लगे हुए हैं। अगला प्लांट जिसकी नीडल शेप लीव्स हैं, ये एक सेडम की वैरायटी है और ये एक सकलेंट प्लांट है। उसके बगल में क्रॉसुला है और वाइट कंटेनर्स में पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग की 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। रेड और ग्रीन पत्तियों वाला प्लांट मेरा एरेंथमम का प्लांट है और जस्ट उसके बगल में जो ग्रीन पत्तियों वाला प्लांट है वो मेरा अजवाइन का प्लांट है। अजवाइन के प्लांट के बगल में पर्पल पत्तियों वाला जो आपको प्लांट दिख रहा है वो लालसा का प्लांट है और ये मेरी बालकनी को ब्यूटीफुल कलर देता है। अभी ये जो प्लांट है ये स्वीट पोटैटो वाइन है। इसके जस्ट ऊपर मेरा डोंकी टेल का प्यारा सा पौधा है, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। नीचे की तरफ ये मेरा बेसिल का प्लांट है जो कि मैंने नर्सरी से लाया था और ये नीचे लटकती हुई पत्तियों वाला प्लांट जो है ये कर्टन क्रीपर का प्लांट है और इसको रोड साइड कटिंग से लाके मैंने ग्रो किया हुआ है। इसकी लटकती हुई पत्तियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। रेड कलर की ब्रॉड लीव्स वाला प्लांट ड्रेसिना की एक वैरायटी है। उसके जस्ट पीछे जो ग्रीन कलर का ग्रीन लीव्स का प्लांट है वो पाम की एक वैरायटी है। और ये जो है मेरा ये रेड ओलियंडर है जो कि मैंने नर्सरी से लाया था। उसके साइड में येलो और ग्रीन पत्तियों वाला ये प्लांट वेरीगेटेड शफलेरिया है। उसके जस्ट नीचे मेरा क्रोटन है और ये ग्रीन पत्तियों वाला प्लांट फिलाडेंड्रॉन की एक वैरायटी है जिसके नीचे टाइनी पत्तियों वाला जो प्लांट दिख रहा है वो बोलेवियन ज्यू है। ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और टर्टल वाइन की एक वैरायटी है ये। इसके साथ में आपको ये जो प्लांट दिख रहा है ये पिंक ओलियंडर है जो कि मैंने सड़क की कटिंग से ग्रो किया हुआ है और ये जीजी प्लांट है जो कि बहुत ही ईजी टू मेनटेन और ग्रो करने वाला प्लांट है। ये मेरा क्रिसमस ट्री का प्लांट है। एक दूसरा क्रिसमस ट्री आपने मेरे लिविंग हॉल में भी देखा होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। ये मरून कलर का कोलियस है। मेरे पास कोलियस की 3-4 वेराइटीज़ हैं और ये बालकनी में बहुत सुंदर कलर्स ऐड करते हैं। वाइट फ्लावर्स के साथ ग्रीन लीव्स वाला ये प्लांट ब्लीडिंग हार्ट का है। इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर होते हैं। अभी भी कुछ फ्लावर बचे हुए हैं बट ये इसका डोरमेंट सीज़न है इसलिए ज़्यादा फ्लावरिंग अभी नहीं है। येलो कंटेनर में मैंने एलोवेरा ग्रो किया हुआ है। ये मेरे अभी 4-5 वैरायटी के क्रोटन्स हैं जो कि मेरे बालकनी में कलर्स ऐड करते हैं जिससे मेरी बालकनी बहुत सुंदर दिखती है। ये 3-4 प्लांट मैंने नर्सरी से परचेस करके ग्रो किए हुए हैं। इसके आगे की साइड में आपको ये जो 2 प्लांट दिख रहे हैं वो स्नेक या सेंसेवेरिया की 2 डिफरेंट वैराइटीज़ हैं जो ये भी मैंने नर्सरी से लाई थी और कुछ कटिंग्स भी इनसे मैंने ग्रो की हुई हैं। ये जो प्लांट है ये पेप्रोमिया है
वाइट और येलो मैगी कंटेनर में, वाइट में स्पाइडर प्लांट है या येलो में मेरा पैंडनस है, और ये छोटा सा वाइट कंटेनर में जो प्लांट है ये एक सकुलेंट अगावे है, और ये रेड कलर का प्लांट मेरा डूरेंटा का प्लांट है, उसके साइड में एक टाइनी सा प्लांट जो है वो स्नेक की एक वेराइटी है, येलो कंटेनर में मेरा स्पाइडर प्लांट है, और ये पर्पल कलर का प्लांट पर्पल हार्ट है। ऊपर की तरफ हैंगिंग बास्केट्स में भी मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। ये हैंडमेड हैंगिंग बास्केट है जिसमें मैंने इंग्लिश आईवी का प्लांट ग्रो किया हुआ है, और उसके साइड में मैंने मनी प्लांट की कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं हैंगिंग बास्केट्स में, और ये सारे हैंगिंग बास्केट हैंडमेड हैं और सोसाइटी में थ्रो किए हुए डिब्बों से मैंने कट करके बनाया है। ये जो प्लांट है रेड कलर का, ये मालाबार स्पिनिच का प्लांट है, इसका रेड कलर की लीव्स बहुत ही सुंदर लगती हैं नीचे लटकती हुई। इसके साइड में आपको जो ग्रीन कलर का प्लांट दिख रहा है अभी, वो एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, उसको भी मैंने एक हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने जिस बालकनी के प्लांट्स आपको दिखाए उसमें ज़्यादातर फोलियज प्लांट हैं या फिर वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि डोरमेंट सीजन में हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट या धूप सर्दियों में बहुत कम आती है। अगले वीडियो में मैं आपको बाकी दो बालकनी के प्लांट्स दिखाऊंगी जहाँ अच्छी धूप आती है और फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग दोनों प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।